हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग डेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे जनरल वाउचर एंट्री कैसे की जाती है इसके बारे में बता रहे हैं। जनरल वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब बिजनेस में अदर आइटम को हम उधार खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जनरल वाउचर एंट्री का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए कार परचेज करी, कार आपके लिए फिक्स सेट है लेकिन आपने इन्हें उधार परचेस किए, तो इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। इसी तरह से कोई रिपेयरिंग की एंट्री करते हैं जिसका पेमेंट आप बाद में करते हैं, तो वो एंट्री भी उधार होती है, तो वो एंट्री भी जनरल वाउचर में की जाती है। इसके लिए हम टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करेंगे। मान लीजिए ये कंपनी मैंने क्रिएट करी, एंटर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एड्रेस टाइप कर सकते हैं, स्टेट ले सकते हैं, टेलीफोन नंबर। इस तरह से आपने टेली प्राइम में एक कंपनी क्रिएट की। उसके बाद आपको लेज़र बनाने हैं, तो इसको भी आप एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराते जाइए। ये आपके लिए यूजफुल नहीं है अभी फ़िलहाल, इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिए या एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो ये आपकी कंपनी बन गई है। जनरल वाउचर एंट्री समझने के लिए पहले लेज़र बनाते हैं, तो लेज़र में आइए। यहाँ लेज़र दिया हुआ है, ये जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग का लेज़र बनाया, बिल्डिंग आपके बिजनेस में फिक्स एसेट है, तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पे फिक्स ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस करते जाइए। ये आपने बिल्डिंग का लेज़र बना लिया। इसी तरह से बिल्डिंग आपने सुविधा प्रॉपर्टी डीलर से परचेस की है, तो आप यहाँ पे सुविधा लिख सकते हैं। ये लिख दिया आपने, इसका ग्रुप सिंडिकेटर है क्योंकि आपने बिल्डिंग परचेस की है, सिंडिकेटर ले लेते हैं। वो इसकी डिटेल लिख सकते हैं आप, इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, ये सब आप फीड कर सकते हैं। और इसको एंटर देके एक्सेप्ट करा दिया, ये लेज़र बना लिया आपने। फिर इसके से बाहर आइए। फिर आपको वाउचर एंट्री करने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं वाउचर, इस पर एंटर दीजिए। यहाँ पे आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़ की, लेकिन आपने इसका पेमेंट अभी नहीं किया है, तो ये उधार में आएगी। तो इसकी एंट्री आप और वाउचर ले नहीं सकते, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट सेल परचेज में ये नहीं आएगी। इसके लिए अपन जनरल वाउचर यूज़ करेंगे, तो या माउस से क्लिक कर दें या कीबोर्ड से F7 प्रेस कर दें, तो ये जनरल वाउचर ऑन हो गया, एक्टिव हो गया। यहाँ पे बिल्डिंग लीजिए, मान लीजिए आपने 5 लाख की बिल्डिंग परचेज करी है, तो ये 5 लाख लिखिए, एंटर दीजिए। जिस पार्टी से आपने परचेज करी है उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिए, जिस तरह से ये है। यहाँ पे अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं तो उसका नंबर लिख सकते हैं न्यू रेफरेंस में। आगे बढ़िए इस तरह से, और यहाँ पे एंटर देके एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से ये एंट्री जनरल वाउचर में आएगी, जिसमें कैश बैंक का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं अपन। इसके लिए डेट चेंज करनी है अगर, तो आप देखिए राइट साइड में F2 दिया हुआ डेट, तो माउस से इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, जिसे 1 मई को एक एंट्री और करने जा रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर रिपेयरिंग करवाई, जिसका पेमेंट आप एक साथ ही करते हैं, तो जो रिपेयरिंग हो गई है जिसका पेमेंट अभी नहीं किया है, तो वो उधार हो गई, तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी? तो कंप्यूटर रिपेयरिंग का लेज़र बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रा सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयरिंग का लेज़र बनाएंगे। ये मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग का लेज़र बनाया। ये बनाने के बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे आप ग्रुप लेंगे इंडा एक्सपेंसेस, तो ये लेंगे अपन, यहाँ पे इंडा एक्सपेंस ले लेंगे क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस है। बस एंटर दीजिए, इस तरह से लेज़र बन गया। और आपने कंप्यूटर रिपेयरिंग मान लीजिए 5000 की, तो वो लीजिए। और किससे रिपेयरिंग करवाई उसके लिए लेज़र बनाते हैं, तो यहाँ पे वापस अल्ट्रा सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेज़र क्रिएशन में आ जाएंगे अपन। और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, जिस फर्म से आपने या जिस दुकान से आपने, जिस कंपनी से आपने रिपेयरिंग की है कंप्यूटर रिपेयरिंग, वो आप लिख दें नाम। इस तरह से लिख दिया आपने, लिखने के बाद एंटर दीजिए। यहाँ पे सिंडिकेटर आएगा, सिंडिकेटर सेलेक्ट कीजिए, ये लीजिए।
और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर एंटर दीजिए। एंटर देने के बाद एक्सेप्ट कराइए इस तरह से, और ये आपने एंट्री कर दी। यहाँ पे बिल नंबर, बिल मिला होगा आपको, उसका नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, एंटर दीजिए। इस तरह से आपने ये कंप्यूटर रिपेयरिंग की एंट्री करी। जिसका पेमेंट अभी नहीं किया है तो ये एंट्री अपन उधार होगी, तो इसलिए अब ये एंट्री जनरल वाउचर में आएगी। एंटर दीजिए। ये दूसरा एग्जांपल लिया आपने, इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने डेट चेंज करने के लिए, मान लो 1 जून को एक एंट्री और करने जा रहा हूँ, तो मैंने 1 जून और ले लिया यहाँ पे। इस तरह से मान लीजिए आपने बिल्डिंग किसी और को सेल कर दी, तो किसको सेल की है उसके लिए आप अल्टा सी से लेज़र क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आपने जिसको आपने सेल की है उसका नाम लिखा आपने, फिर सेल किया है तो डेटर्स आएगा, क्योंकि आपने कस्टमर को सेल किया है तो ये सनी डेटर्स आएगा। इसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं आप, एड्रेस वेड्रेस। आगे बढ़ते जाइए इस तरह से, एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए। और यहाँ पे आपने मान लीजिए 5 लेयर्स की बिल्डिंग सेल कर दी, तो यहाँ पे जो रिसीव करेगा बिल्डिंग उसका नाम डेबिट में आएगा। तो इस तरह से आपने पार्टी का नाम डेबिट में लिख दिया। यहाँ पे आपने बिल या कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसका नंबर आ गया यहाँ पे, और क्या सेल किया आपने इसमें, बिल्डिंग सेल की, तो बिल्डिंग क्रेडिट में आएगी, कि बिल्डिंग बिजनेस से जा रही है तो बिल्डिंग क्रेडिट में आएगी। और रिसीव कौन कर रहा है, गंगा कुमार, वो डेबिट में आएगा। एंटर दीजिए, और इस तरह से आपने एंट्री कंप्लीट की। तो ये एंट्री भी उधार हुई है, जिसका पेमेंट अभी नहीं मिला है अपने को, तो ये एंट्री भी जनरल वाउचर में ही आएगी। ठीक है, अब ये जो एंट्रीज की है उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं अपन, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड में एस्केप की है वो प्रेस करेंगे, और बाहर आकर क्यूट होकर आप क्या करेंगे, तो डिस्प्ले देखने के लिए आपको यहाँ पे एक तो डे बुक भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो डे बुक से भी देख सकते हैं जितनी भी एंट्रीज की है। अभी आपको 1 ही एंट्री दिखाई दे रही है, तो आपको सारी एंट्री देखनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माउस से क्लिक कीजिए या फिर F2 प्रेस कीजिए डेट कॉलम, और यहाँ स्पेस दीजिए, स्पेस बार से, और एंटर दीजिए। तो जितनी भी एंट्रीज की है वो आपको दिखाई देगी, और इनको अपन एंटर से ओपन भी कर सकते हैं। अगर करेक्शन करना हो तो यहाँ पे अमाउंट में करेक्शन भी किए जा सकते हैं। तो वाउचर एंट्री जहाँ भी ओपन हो जाती है वहाँ करेक्शन हो जाता है, तो इस तरह से आपने करेक्शन कर लिया इस तरह से। और डिलीट करना चाहें तो एंटर डी से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, एंटर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगी, वाउचर रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट दिया हुआ है, उस पर भी एंटर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट बुक्स में जाइए, इस पर एंटर दीजिए, और यहाँ पे आपको जनरल वाउचर दिखाई देगा, ये रहा जनरल रजिस्टर, आप इस पर एंटर दीजिए। और जैसे जून मंथ पे की एंट्री देखनी थी, जून मंथ पे एंटर दीजिए तो जून मंथ की दिखाई देगा। और अगर आपको सारे मंथ की देखनी है तो क्या करेंगे, माउस से F2 डेट पे क्लिक करके स्पेस देंगे तो सारी एंट्री आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ से भी अपन एडिटिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वाउचर को। तो इस तरह से आपकी जनरल वाउचर एंट्री की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।